आज आपके साथ चाइनीज बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम बनाएंगे देसी टच के साथ। थोड़ी सी स्पाइसी होगी और थोड़ा सा इसमें चाइनीज फ्लेवर होगा। बहुत ही मजे की बिरयानी बनती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पैन में 1/4 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। राइस के लिए हमेशा फ्रेश जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल ही करना है, जिससे राइस का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन अदरक को स्लाइटली गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चिकन डालेंगे जो है 200 ग्राम। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। चिकन का कलर पिंक से वाइट हो गया है। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, उसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1 चिकन क्यूब डाल दें। इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब का इस्तेमाल करना था। 3 से 4 मिनट चिकन को मसालों के साथ फ्राई करने के बाद स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला हिस्सा और 1 मीडियम साइज की कटिंग की हुई गाजर, 1 कप मटर ये शामिल कर दें। तमाम सब्जियों को मिक्स कर लें। जो थोड़ी सी सब्जियां सख्त हैं वो हमने अब शामिल कर दी हैं, बाकी बाद में शामिल करेंगे। गाजर, मटर और बंद गोभी का सीज़न है आजकल, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे गाजर और मटर अच्छे से नरम हो जाएं। सब्जियों का पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। 1/2 कप कटिंग की हुई शिमला मिर्च और 1 कप बंद गोभी ये शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जिससे इनका क्रंच भी रहे और कलर भी ख़राब ना हो। सब्जियों का मिक्सर रेडी है, इसे एक साइड पे कर देंगे। इसे बगैर कवर करके रखना है, जिससे इसकी सारी स्टीम निकल जाए और सब्जियों का क्रंच ऐसे ही रहे। अब हम राइस बॉईल कर लेंगे। राइस बॉईल करने के लिए एक बड़े से पैन में पानी बॉईल करना है। इसमें 1 टीस्पून साल्ट और 1 चिकन क्यूब, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो डाल दें। इसे मिला लेंगे। 2 कप बासमती राइस, जिसे आधा घंटा पहले भिगो दिया था, शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक राइस को बॉईल करना है। तकरीबन 95% तक हमने राइस बॉईल कर लेने हैं। बिल्कुल बिरयानी के राइस की तरह इसमें सिर्फ 1 कणी रह जाए। 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाल देंगे। चावल का 1-1 दाना बिल्कुल अलग अलग होगा। 4 से 5 मिनट के बाद राइस चेक करते हैं। इसमें हल्का सा दाना मौजूद भी है और राइस हाथ से टूट रहे हैं। अब इसका पानी ड्रेन करके लेयरिंग की तैयारी करेंगे। राइस का जो पानी थोड़ा सा आपने 1 कप के करीब बचा के रखना है, सारा वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट लेयर में 1/2 राइस डाल देंगे, फिर सब्जियों का मिक्सचर, बाकी के सारे राइस डाल दें। एक सॉस बना के रखी है, जिसमें है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनीगर, 1/2 टीस्पून हॉट चिली सॉस, स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला हिस्सा ये भी शामिल करना है और थोड़ा सा ऑयल डाल दें इस टाइम पे, जिससे चावल नीचे लगेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। 1/2 कप चावलों का पानी था वो डाल दें, जिससे स्टीम बहुत अच्छे से जमा हो जाएगी। कवर करके 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर उसके बाद दम वाली फ्लेम करके 8 से 9 मिनट तक दम देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद चावलों को दम आ गया है, इसे ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे राइस टूटे भी ना और सारे मिक्स भी हो जाएं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये थी मेरी आज की चाइनीज बिरयानी, चाइनीज राइस की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।